जिंदगी नहीं है कोई कर रही है तू? बोतल शोतल पी रही हूँ, गर्मी लग रही थी, ठंड पड़ गई कसम से। बोतल शोतल क्या होते, इसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, क्यों नाक कटवाएगी मेरे? मुझसे ना हर वक्त मुंह टेढ़े कर करके बोला नहीं जाता, खुदा का वास्ता है। ये बता, उजाला नजर नहीं आ रही, शादी में नहीं आई क्या? कैसे आएगी अपना टूटा हुआ दिल लेकर? कल तो बड़ी तैयार शियार होके आई हुई थी अपने शौहर के साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस दिल के साथ तैयार होकर आई होगी वो। अच्छा तो मुझे ये बता, जावर नजर आ रहा है, उसकी माँ और बहन ही नजर आ रही, क्या हुआ है, शादी में नहीं आना उन्होंने? तुझे बड़ी फिक्र है, आ जाएंगी खुद ही। सच बता, उसकी माँ के ऐसे कौन से कान भरे हैं कि वो इतनी नाराज हो गई है कि वो शादी में नहीं आई अभी तक? तो फिक्र ना कर अम्मा, नाराज तो वो वाकई बहुत है, पर मुझसे नहीं, अपनी बहू बेगम से। मुझे तो तुमसे ना हर वक्त डर लगता है, कुछ चवल ना मार देना फिर से। पहले जरबाब इतनी मुश्किल से तुझे वापस घर लेकर आया। मैं तू क्यों हर वक्त मेरी फिक्र करती है? और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तू इस तरह समझा रही है। तीर तो मैंने ऐसा लगाया है कि निशाने को भी खबर नहीं होगी। ये पीठ ठंड पड़ जाएगी, गर्मी लग रही है ना तुझे? अल्लाह, एक तो इस लड़की के नखरे ना, ये तो यहाँ आके वैसी बन गई है, मुंह टेढ़े टेढ़े करके बोलो, मैं तो नहीं बोल सकती। Thank you.
यावर, यावर आपको क्या हो गया है? बस छोड़ो, जाने दो। यावर सब लोग नोट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, बताएं तो सही हुआ क्या है? ये बात मुझसे नहीं, अपने जाके माँ बाप से पूछो। चल, अरे क्या हो गया? अम्मा तुझे क्या हो गया? हर बंदे से खाने का पूछती फिर रही, नाक कटवाएगी तू? तो क्या करूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, देख मैं काम रही हूँ, क्या करूँ फिर? थोड़ा तो भरम रखा कर मेरे ससुराल वालों के सामने, अभी खाना नहीं लगा और तू अब किसी से खाने का नहीं पूछेगी, मैं करती हूँ तेरे लिए खाने का इंतजाम। भरम रखूँ मैं? तुम्हारे ससुराल वालों को अकल नहीं है टाइम से खाना खिलाना? तो वैसे तो बड़े बनते हूँ ना, बस अब तू किसी से खाने का नहीं पूछेगी, सुना? मैं क्या करूँ, मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। जाके एसी में। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के मेहर लिख के दे रहे हैं, और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर ये कैसे बातें कर रहे हैं, वो भी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ देखो फायज साहब, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ सगी औलादों के साथ भी ऐसा करता है? बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया? क्या वह मेरे माँ बाप ने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया? क्या भूल रहे हैं आप? हाँ, जहेज देने के अलावा और क्या ही किया है उन्होंने, बताओ। आओ, मैं तुम लोगों को अपनी भाभी से मिलाती हूँ, मेरी बड़ी भाभी से। भाभी ये आओ, आ गया। ये मेरी भाभी हैं, किरण भाभी, सबसे बड़ी हैं। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी में एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी भाभी, आपकी तो बहुत तारीफें सुनी थी नवीन से, पर जितना सुना था आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। अरे मेरी दोनों भाभियां माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। किरण भाभी की तो बात ही कुछ अलग है। थैंक यू। बेटा यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? मम्मी आपने किरण का ड्रेस देखा है? हाँ कुछ देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन लग बहुत महंगा रहा है। इसे ये जरबाब ने दिलाया होगा, है ना? मम्मी ये वो ही ड्रेस है जहाँ से हमने नवाल का ब्राइडल ड्रेस लिया है, उसने ये वाला ड्रेस भी दिखाया था। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी, इतना महंगा जोड़ा तो हमने इसे इसकी शादी पर भी नहीं दिया बेटा। जरबाब ने दिलवाया होगा, और किसने दिलवाया होगा? मम्मी मुझे ये ड्रेस और इसका कलर अच्छे से याद है, इसकी प्राइस तो मुझे इतना पसंद आया था कि वही ड्रेस है। आप कैसे भूल गई हैं? इतना महंगा ड्रेस पहनी थी अम्मी ये? हद होती है, इसकी शादी पर अपनी हैसियत से बढ़कर जेवर दिया है मैंने इसे, और अब ये जोड़ा? जरबाब का तो दिमाग खराब हो गया, इसके इतने नखरे उठाने लगा है, हद होती है। जरूर जिद की होगी इसने, और क्या। तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो, मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तुम लोगों का। अब जबकि तुम लोगों का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, तो जरा सी सेंस मेरी नंद को भी दे दो। इसे पहनने ओढ़ने का बिल्कुल ढंग नहीं है, मतलब मैं इतना कहती हूँ कि जैसे अभी बनी सबरी हुई है, हमेशा ऐसे ही रहा करें। समझाओ ना तुम लोग। जी भाभी आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, हम कुछ टाइम में इसको बदल देंगे। थैंक यू। खैर तुम लोग इंजॉय करो, मैं जरा गेस्ट। जी भाभी। श्योर। Thank you.
हमारी सास आ गई, जाओ जाके लेकर आओ उन्हें, मैं आती हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? मम्मी कहाँ रह गए थे, कब से आपका वेट कर रहे हैं? अरे अस्सलाम वालेकुम, अब बहुत देर से आपका वेट हो रहा था, अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र अब तो पहले से बहुत बेहतर, लेकिन हैरत है क्या आपको तौफीक तो हुई कि मेरी खैरियत पूछे, वरना आपसे तो इतना भी नहीं हो सका कि एक मुझे कॉल ही करके पूछ लेती। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फाइजा से आपकी तबीयत पूछती रहती हूँ, इसको आपकी बड़ी फिक्र रहती है। इससे क्या पूछ रही थी, ये तो पिछले दो हफ्ते से मैके आकर बैठी हुई है। आपको पूछना था तो मुझसे पूछती या मेरे बेटे से पूछती? एक्चुअली फाइजा आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहती है और अक्सर आपकी बात करती रहती है मुझसे, और वैसे भी शादी का माहौल था ना, तो कुछ दिनों के लिए मैंने इसे अपने पास ही रोक लिया था। अम्मी छोड़े ना गिले शिकवे, आए अम्मी मैं आपको भाभी से मिलवाती हूँ, चले आ जाए। शाम सिद्दीकी, आपका निकाह जुहेब वल्द वजाहत हुसैन के साथ मुबलिक 2 करोड़ रुपए हक मेहर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। जुहेब वल्द वजाहत हुसैन, आपका निकाह नवाए शम्स के साथ मुबलिक 2 करोड़ रुपए हक मेहर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है?
आपको मेरे बारे में कुछ भी जाने या सोचने की जरूरत नहीं। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह है, उजाला और शफाफ। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं। उजाला मैं सबको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करोगी ना मेरा? मुझे नहीं पता सुहेब, मगर मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अबू का गुस्सा उतर जाए फिर मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। बस मेरा साथ मत छोड़। रिजवान से शादी करने जा रही है? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या? देखो जारा, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। होते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले? कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। Thank you.
कहाँ कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकते? अपने कमरे में, क्यों नहीं जा सकता? भाई पहले नेक देना पड़ेगा, उसके बाद आप कमरे में जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। हाँ और उनको ये भी बताओ कि नेक क्या होता है। नहीं मुझे नहीं पता नेक क्या होते। नेक जो भी होता है ना आपको देना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए मेरे हैं, 1,00,000 रुपए आप आपके हैं, आप देंगे पैसे उसके बाद। मेरी बात सुनो, तुम अभी 2,00,000 रुपए में दूध पिलाई पे देकर आ रहा हूँ उन लोगों को, और अब तुम लोग कह रहे हो कि 1,00,000 तुम दोनों को भी दूं। भाई आपकी शादी है, पैसे निकालने क्या हो गया? शादी है मेरी, बर्बादी नहीं है, समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अम्मी पैसे निकल रहे हैं? बदमाशी कर रहे हैं क्या? कितने पैसे मांग रही हैं? अम्मी सिर्फ 2,00,000 रुपए बोले, 1,00,000 मेरे हैं, 1,00,000 आपा के, 2 बहनें हैं। अच्छा ऐसा करो, 1,00,000 रुपए दे के अपनी जान छुड़ा। अम्मी मेरी साइड पे, इनकी साइड पे है, दोनों की साइड पे हो ना। दोनों नहीं, 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 मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। 1,00,000 अच्छा लाख कौन रहा है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है फिर हम खड़े खुलेगा ये। जुहेब आप आ गए, इतनी हैवी ज्वेलरी है, मुझे तो उतारी नहीं जा रही, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। काफी एग्जॉस्ट लग रही हो। ऑफ कोर्स आप मर्दों को इतनी हैवी ज्वेलरी और इतना हैवी ब्राइडल ड्रेस पहनना पड़े फिर पता चले आपको, ऊपर से आपके घर वालों की ये स्टूपिड रस्में, थैंक गॉड खत्म हो गई। रस्में खत्म तो नहीं हुई, कल वलीमा भी है। क्या रे? प्लीज मैं ये हैवी ज्वेलरी दोबारा नहीं पहनूंगी। नहीं पहनना चाह रही तो ना पहनो, कोई फोर्स थोड़ी करेगा। थैंक यू, जैसा सोचा था आपको वैसे ही पाया है। अच्छा कैसा सोचा था मेरे बारे में आपने? मैंने आपको पाया है कि आप बहुत पोलाइट हैं, अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज ऐसे रहे, टिपिकल और कंजर्वेटिव मत हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि जैसा हूं वैसे ही रहूं। मेरा गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? शादी की रात बीवी को गिफ्ट देते हैं, नहीं ज्वेलरी और समथिंग। लेकिन तुम तो ज्वेलरी नहीं पहनती ना। हाँ मतलब आप वाकई मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? लाया तो हूँ, ऐसा हो सकता है मैं कि मैं भूल जाऊँ। ये और ऐसे मुंह दिखाई कहते। मुंह दिखाई? अब लाए हैं तो फिर पहना भी दें। इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? मैं हूँ। चिकू लड़की है। आजो। ये मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आई हो? भाभी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था, बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड?
हमें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे, वी जस्ट गॉट मैरिड, तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था अगर अच्छा नहीं लगा आपको मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तुम रख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये क्या तरीका मेरी बहन से बात करने का? I'm sorry जुहेब, पर उसे भी सोचना चाहिए ना। आधी रात को ये सब चीजें लेके हमारे रूम में आ गई, बच्ची थोड़ी ना है वो। So what? रूम में आई है, नहीं आ सकती वो? नहीं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। प्लीज अपनी बहनों को बता दीजिएगा और स्पेशली किरण भाभी को कि मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखे, मुझे इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आधी रात को तो खास तौर पर कोई मेरे रूम में ना आए प्लीज। क्या मुसीबत है? नवाल, मैं चेंज करके आती हूँ। नवाली क्या बदतमीजी है? करवाई अपनी बेइज्जती, पड़ गई कलेजे में ठंड। खुदा के वास्ते चुप कर जा, पहले ही गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा है और ऊपर से तू आ जाती है जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुमने यहाँ बुलवाकर मेरी नाक कटवा दी है। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ भेजा था कि ये सब करो तुम? कहाँ है जरबाब, बुलाओ उसे, उसकी ताज में है वो खातिर करूंगी तो रखेगा याद। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ और आहिस्ता बोल, सुन लेगा। क्यों चुप कर जाऊं, किस लिए चुप कर जाऊं? चुपचाप बैठी अपनी बेटी के साथ होती ना इंसाफियों को देखती रहूं, तमाशा देखूं बैठकर? नहीं बीबी, इतना जिगरा नहीं है मुझ में जी, सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मैं तो यहाँ आई इसीलिए थी कि मैं अपनी आंखों से जाके देखूं मेरी बेटी के साथ ये जालिम लोग क्या क्या नाइंसाफियां कर रहे हैं। हाँ, अब देख लिया अपनी आंखों से, पड़ गई कलेजे में ठंडक? जब मैं आकर बताती थी तो मुझे तो सबर और शुक्र के दर्श दिए जाते थे। और खैर, औरों से क्या गिला करना, मेरा अपना शौहर ही सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। अरे भाई को 5 लाख का तोहफा उठाकर दे दिया और बीबी से पूछना तक गवारा नहीं किया। जरूरत ही क्या है पूछने की, अब अपने भाई को तोहफा देने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए मुझे? ये किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बेटी से? वैसे ही जैसे करनी चाहिए, नहीं? हाँ भाई, जिस लहजे में तुम्हारे घर वाले इससे बात करते हैं जाहिर है तुम भी तो उसी लहजे में बात करोगे ना इससे। गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है जैसे, और वैसे भी इस घर में बड़े बड़े लोग आ गए, अब मेरी बेटी की इस घर में क्या हैसियत, इसका तो गुजारा ही मुश्किल है। ऐसा है आंटी जी, एक तो ना आप हम मियां बीवी के बीच मदाखलत बंद करें। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।